डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की तो हमने बात कर ली थी कि यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस मल्टीपल साइट्स पर होते हैं और उनको कनेक्ट करने के लिए हमें एक नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो जैसे कि हमें पता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारे डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को मैनेज करने के यूज किया जाता है, दैट मैनेजेस द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो आप इसको इस तरह कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास जो एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है वो ऑल साइट्स के ऊपर जितना भी डेटाबेस होता है उन सब को एक साथ मैनेज कर रहा होता है।